अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से आज आपको गेमोसिस जो है सिट्रस के अंदर ये दिखाएंगे। इसमें तने से गूंद निकलती है, फंगस की बीमारी है ये, तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो है इलियट 80 WP बायर क्रॉप साइंसेस की फोस्टाइल एलमोनियम आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसकी आप 250 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर जो है इसकी स्प्रे करें। ये केरा नज़र आ रहा है आपको, सितंबर का महीना है, अब केरा शुरू हो गया। इसकी काफ़ी वजूहात होती हैं। ये जो केरा आपको नज़र आ रहा है, मैं दिखाता हूँ करीब करके, इस पर देखेंगे किस वजह से है। ये आपका फ्रूट फ्लाई की वजह से है, फल की मक्खी कह लें। इस पर मैंने पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। 35% नुकसान है इसका। कंट्रोल जो है मिथाइल यूजिनाइल के आपने फंदे लगाने हैं। इसके अलावा आप स्पिनोसिड कर सकते हैं, साथ आप ट्राईक्लोरोफान का स्प्रे कर सकते हैं। उसकी डोज 125 ग्राम रखनी है। आप टिपटेक्स के नाम से आती थी मादा मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट कर सकते हैं। तो ये काश्तकार बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है, ये बहुत नुकसान करती है। ये देख लें, इसके अंदर मैकेट्स जो है डेवलप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन मैकेट्स के बाद ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और किन्नू की इसने तबाही कर देनी है इस खेत की। इतना ज़्यादा केरा होना है, काश्तकार शुरू करेगा लेकिन 15-20 दिन के बाद लेट करके, तो फिर वो कंट्रोल जो है इतना अच्छा नहीं आता। इसके अलावा स्टैटिक स्पिनोसिड अली अकबर ग्रुप की आ रही है, 20 ग्राम फी एकड़ के इस्तेमाल की जा सकती है। 2 कनाल के अंदर 4 दफ्तों का इंतखाब करके इस पर लगा दें। ये मिथाइल यूजिनाइल के फंदे हैं, इसमें लगाए थे हमने। ये अमरूद के हैं, मैंने इधर शो करने के लिए बताए हैं। ये एक ही मक्खी है, तमाम जो है सब्जियात में, फ्रूट में, बागात में आती है, तो इसका अच्छा कंट्रोल है अगर लगाए जाएँ तो। ये 7 दिन के बाद रीडिंग है, देख लें इसके अंदर कितना इसका कंट्रोल है। लेकिन ये सिर्फ नर को कंट्रोल करेगी, मादा को कंट्रोल नहीं करेगी। तो मादा के लिए आप प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का जो है वो आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो उसका कंट्रोल होगा, या फिर आप वक्फे वक्फे से ट्राईक्लोरोफान जो है वो आप 125 ग्राम फी 100 लीटर पानी में हल करके आप स्प्रे करें तो फिर इसका तदारक किया जा सकता है। तो केरा सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें फल की मक्खी भी हो जाती है। साथ स्टेमन रॉड डिजीज़ है, वो भी इसके इस बाग के अंदर मैंने देखी है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप पहले इसका इलाज करें, मक्खी का इलाज करें, फल की मक्खी का, इसका साइकिल तोड़ें, इसका गला हुआ फूड जो है इकट्ठा करके आप 2 से 3 फुट नीचे दबा दें और दबाने के बाद जो है ऊपर से बंद कर दें ताकि इसका साइकिल जो है वो टूट जाए। ये देख लें, ये स्टेम एंड रॉड डिजीज़ है, फंगस की बीमारी है। इसमें स्टेम के साथ जो निशान आता है ये बड़ा हो जाता है, अभी छोटा है, ऐसा था बड़ा होगा तो ये फल नीचे गिर जाता है और इसके गिरने की वजह फंगस है। तो अगस्त और सितंबर के बाद वैसे भी 1 से 2 स्प्रे जो है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड करवाने चाहिए या सिस्टेमिक फंजीसाइड के करने चाहिए तो ये केरा रुक सकता है। इसके कंट्रोल के लिए आप एमिस्टॉर टॉप, सजेंटा की जॉक्सिस्टॉर्बन प्लस, डाइफेनाकोनाजोल 200 मिलीलीटर कर सकते हैं। एक स्प्रे 15 दिन के पहले वक्फे से करें, फिर दूसरा 15 दिन के बाद करें तो ये केरा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आप नटीवो जो है 70 से 80 ग्राम फी 100 लीटर पानी जो है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको काश्तकार भाई बिल्कुल इग्नोर ना करें। स्टेम एंड रॉट डिजीज़ जो है अब सितंबर के अंदर शुरू होगी, ये अक्टूबर तक जाएगी और इसने तकरीबन आपका आधे से ज़्यादा नुकसान जो है ये कर देना है। इसको पहचान लें, उसके बारे में स्प्रे करें। ये सिट्रस के साथ ही पपीता का बाग था, मैंने कहा चलें आपको ये भी आपको शेयर कर दूँ। इसके ऊपर भी मक्खी ने अटैक किया हुआ है, ये मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसके निशान। ये फल की मक्खी ने इसको, अगर आप ये घूंगे में है, साथ साथ फल की मक्खी ने ये यहाँ से गम निकली हुई है, यहाँ पे इसने अंडे दिए हैं और अंडे दे के इसकी रॉटनिंग शुरू हो जाएगी। एक साइड से ये डिवेल्प करेगी, इसके अंदर शायद ज़्यादा अच्छी तरह जिस तरह अमरूद में डिवेल्प हो उतना ना करे, लेकिन ये फल जो है ये केरा करेगा, गिर जाएगा, इसकी एक तरफ से रॉटनिंग हो जाएगी यानी गल सड़ जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप वेजिटेबल के काश्तकार हैं, अगर आप बागात के काश्तकार हैं, तो फिर फल की मक्खी का तदारक आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा। तो ये फ्रूट फ्लाई जो है ये तमाम बागात का, तमाम सब्जियात का कीड़ा है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें ताकि आपको दीगर मालूमात पर वक्त मिल जाए। जी शुक्रिया।